हेलो गाइस, वेलकम टू एटीपी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर जेई मेंस 2019। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन सी हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और अगर इन रिएक्शंस को आप करते हो तो आपके कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर जेई मेंस के ठीक हो जाएंगे, पर ये रिएक्शंस आपको टिप्स पे होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो रिएक्शन कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहली हॉट रिएक्शन जो है वो है एल्डोल कंडेंसेशन, और इसके जो भी वेरिएशन होते हैं दैट इज़ क्रॉस एल्डोल, जिसको मिक्स्ड एल्डोल भी बोलते हैं, या इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। सेल्फ एल्डोल भी आना चाहिए। अगेन कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ये आपको आना चाहिए, इसके भी वेरिएशन आपको सारे के सारे आने चाहिए, क्रॉस, इंट्रा मॉलिक्यूलर, सेल्फ, एवरीथिंग। उसके अलावा पर्किन कंडेंसेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर हेलोफॉर्म टेस्ट जो होते हैं, इसके जो वेरिएशन होते हैं कि भाई मिथाइल कीटोन्स जो हैं ये टेस्ट देते हैं, उसके अलावा इस तरह के अल्कोहल्स भी ये टेस्ट देते हैं, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज HBD। HBD हैप्पी बर्थडे नहीं है गर्ल्स एंड बॉयज़, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें अमाइड अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है और इसके वेरिएशंस भी आपको आने चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज़ RTR। RTR दैट इज़ रेमर टीमन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल का कन्वर्जन हो जाता है सेलिसल्डिहाइड में, और फिर एस्पिरिन का जो प्रिपरेशन होता है उससे रिलेटेड, एंड कोलबेस जो रिएक्शन इसी जैसी रिएक्शन है जिसमें सेलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। शुड नो कोलबेस रिएक्शन एज वेल। द नेक्स्ट वन इज़ आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें RNH2 कन्वर्ट हो जाता है RNC में, यानी फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड यहाँ पे बन जाता है। फिर POC का मतलब है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी फॉर एग्जाम्पल जेल्डाल्स मैथड, ड्यूमास मैथड्स, लसाइन टेस्ट, उसके अलावा टॉलेंस हो गया, फेलिंग्स हो गया, लुकास टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, ये आपको टेस्ट अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो POC वाला पार्ट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही है। नेक्स्ट इज डाई फॉर्मेशन, जो डाइज़ोटाइजेशन से रिलेटेड रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन जिनको बोलते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओवरऑल रिएक्शंस में ये बिल्कुल टॉप मोस्ट रिएक्शंस हैं। कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे कि एस्टरीफिकेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, देर आर सो मेनी रिएक्शंस एज वेल, लेकिन दीज रिएक्शंस आर यू नो हाईली, मतलब इनके चांसेस आने के बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो इन रिएक्शंस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, उनको बिल्कुल टिप्स पे कर लें, और अपनी हेल्थ को बढ़िया से मेंटेन रखें, मोमेंटम लूज ना करें, एंड एटीट्यूड आपको बिल्कुल फुल्ली पॉजिटिव इस समय रखना है। किसी भी नेगेटिव चीज़ से, नेगेटिव दोस्तों से, या नेगेटिव थिंकिंग से आप दूर रहें, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें, नेगेटिव सोशल मीडिया से दूर रहें, और बस अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।